अस्सलाम वालेकुम जमात, किसी जमात की उर्दू की किताब में आपके जो हमने अल्फाज मैंने किए थे सबक नंबर 2, उसके जो अल्फाज मैंने अपने कॉपी में किए थे, पहले टाइटल पेज बनाना है, फिर आपने उसको अल्फाज मैंने कॉपी में करने हैं, उसके बाद आपने इसमें जो है अब हम अल्फाज मैंने करने के बाद इसमें आपकी बुक के अंदर जो सवाल जवाब दिए गए सवालत दिए गए हैं वो मिस जो हैं आपको यहाँ पर दिए हैं करने के लिए कि इसकी जो नात जो हमने सबक नंबर 2 थे उसकी जो सवाल जवाब मुख्तलिफ सवाल जवाब हैं वो आपने अपनी ये कॉपी के अंदर लिखने हैं। तो सवाल नंबर 1 है कि नात की तारीफ़ लिखें, नात की तारीफ़ लिखें। तो नात वो होती है जिस नज़म में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की जाए उसको नात कहते हैं। सवाल नंबर 2, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सा पैगाम लाए। तो इस नज़म के में लिखा है कि जो वैसे भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक का पैगाम लाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसकी भलाई के लिए दुनिया में तशरीफ़ लाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी मखलूक की भलाई के लिए दुनिया में तशरीफ़ लाए। अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी दुनिया के लिए रहमतुल्लिल आलमीन बना के भेजा है। तो इसी तरह आपने यही इसमें लिखा हुआ है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी मखलूक की भलाई के लिए दुनिया में तशरीफ़ लाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस दीन की तबलीग की, दीन इस्लाम की तबलीग की। ज़िंदगी और रोशनी किसके दम से है, ज़िंदगी और रोशनी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दम से है। तो ये सारे जो सवाल जवाब हैं उसके आपने मुख्तसर जो जवाब जो मिस ने यहाँ पे लिखे हैं वही आपने अपनी कॉपी के अंदर लिखने हैं। और आप लोग ये देख लीजिए, इसमें देखें पहली बात नात की तारीफ़ लिखें, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सा पैगाम लाए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसकी भलाई की दुनिया में तशरीफ़ लाए, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस दीन की तबलीग की, और ज़िंदगी और रोशनी किसके दम से है। ये जो जितने भी सवाल हैं इनके आपने यही जवाब जो इसने आपकी कॉपी में लिख के दिए हैं वही आपने अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन करने हैं और कॉपी के अंदर लिखने हैं। शुक्रिया।